वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जो कि आप इसको किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हो और खाने में भी बहुत टेस्टी बनेगी और देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और फ्रेंड्स वीडियो पे बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और यूजफुल लगे तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बने रहिए। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 चम्मच, हमारा यहाँ पे बेसन है, और हमने 3 से 4 चम्मच लिया है मैदा। आप यहाँ पे मिल्क पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मैदा का ही यूज कर रही हूँ। यहाँ पे हमने 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे लिया है बेसन, चने का जो आटा होता है ना, चने की दाल का, वही बेसन हमने लिया है। और अब हम लेने वाले हैं मिक्सर जार। तो यहाँ पे हम मिक्सर जार में जो हमने बेसन लिया था ना, उसको डाल दिए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया मैदा, हमारा बेसन 1 चम्मच था और मैदा हमने लिया है 3 से 4 चम्मच, हमारे बड़े चम्मच यहाँ पे हमने मैदा लिया है। और उसके बाद हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1 चुटकी खाने वाला जो सोडा होता है ना, वो डालेंगे। और यहाँ पे अगर आपको डालना है तो आप यहाँ पे मैदा की जगह पे मिल्क पाउडर और थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बेसन और मैदा का यूज किया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है मावा, भुना हुआ मावा है, ये घर पे होममेड बनाकर हमने तैयार किया है, पके हुए दूध से हमने बनाया है, ये भुना हुआ मावा है ना। और उसके बाद हम इसमें मिक्सर जार में इसको डालेंगे, और हमारे ये 250 ग्राम हमारा मावा है, 3 से 4 चम्मच यहाँ पे मैदा का यूज किया था हमने, 1 चम्मच बेसन का यूज किया, और उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाला। और हम अपने ये हमारा जार बड़ा है तो ताकि इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। और उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है चीनी, चीनी हमारी 250 ग्राम है, जितना हमने मावा लिया था उतना ही हमने यहाँ पे चीनी लिया है। और चीनी को हमने पैन में डाल दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे गुलाब के फूल 1 लिया था, क्योंकि इस टाइम पे मौसम है गुलाब के फूल का, ठंडियों में बहुत अच्छे फ्रेश गुलाब के फूल मिल जाते हैं, तो हमने यहाँ पे गुलाब का फूल फ्लेवर के लिए रखा है। और इसको खा भी सकते हैं, खाने में भी अच्छा लगता है और हेल्दी होता है, टेस्टी भी होता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया, अगर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मेरे पास था तो मैंने डाल दिया, और यहाँ पे मैंने भर के 1 कटोरी पानी डाल दिया, और हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। और फ्रेंड्स वीडियो को फुल वॉच करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। तो यहाँ पे हम सारे को अच्छे से मिला दे रहे हैं। उसके बाद हम चल रहे हैं इसको गैस पे चढ़ाएंगे। यहाँ पे हमने गैस पे चढ़ा दिया है, और देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ पे हम इसको मिला दे रहे हैं, और उसके बाद हमारा ये इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। जैसे ही हमारा बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसको आंच को मीडियम कर देंगे, और लगभग 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका देंगे। उसके बाद हमने साबुत इलायची को कट, मतलब यानी कूट के डाल दिया इसमें, और इसमें अच्छा सा बॉयल आने लगा और देखने में तो अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे हमने जो मिश्रण बनाकर तैयार किया था ना, तो यहाँ पे हमने सारे मिश्रण को अच्छे से हाथों से मिला लेना है, और अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। और ऐसे हमें ये आकार दे के, आप इसको किसी भी आकार का बना सकते हो, जैसे टिकिया होता है उस तरह बना सकते हो, आप इसको गोल गोल बना सकते हो, जैसे आपको पसंद हो आप उसी आकार इसको बना सकते हो। और उसके बाद हमने फ्राई करने इसको, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिया है, क्योंकि ज़्यादा रिफाइंड डालेंगे तो कोई भी मतलब ऑयल ये सब तो रिफाइंड में ही बनते हैं ना, मीठी चीज़ें की तो देसी घी में बनाते हैं तो थोड़ा सा यूज करते हैं, क्योंकि ये जल जाता है तो फिर दोबारा से इसको यूज करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा ही यूज करें ताकि वो यूज हो सके, ज़्यादा मतलब बार बार उसको जलाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे हमने सारे को अच्छे से फ्राई कर लिया, और देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में भी वैसे है। आप इस मिठाई को क्या नाम देंगे हमें कमेंट में बताइएगा। और हमारी सारी मिठाई बनकर तैयार हो गई है, देख सकते हैं इसका लुक देखने में कितनी अच्छी लग रही है। और हम अब आपको इसको कट करके भी दिखा रहे हैं। आप लोग सोचोगे कि अंदर से ये कैसे होगी, तो अंदर से भी बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हो गई है हमारी ये मिठाई।
और देख सकते हैं इसको, आप जो नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं, और आप इसको किसी भी टाइम पे बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके पास मावा नहीं तो आप यहाँ पे मिल्क पाउडर और थोड़ा सा दूध डाल के भी इसको बना सकते हैं। तो हमारी ये टेस्टी सी मिठाई बनकर तैयार हो गई है। बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए और हमारा सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को वॉच करने के लिए आप सबका